इंटरेस्ट के पैसे कहां खर्च करें, बैंक के इंटरेस्ट के पैसे हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। सैफुल्ला साहब अलीगढ़ से। देखें, सूदी बैंक में अकाउंट खोलना हराम और नाजायज़ है। सख्त मजबूरी हो तो करंट अकाउंट खोलें। अव्वल तो आजकल इस्लामिक बैंक आ गए हैं तो अब सूदी बैंक में अकाउंट खोलने की ज़रूरत रही नहीं है। फिर भी बाज़ दफ़ा मजबूरी होती है तो सूदी बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता है, तो फिर ऐसी सूरत में करंट अकाउंट खोलें। फिर भी अगर किसी ने सेविंग खोल दिया तो गुनहगार होगा, लेकिन अब जो सूद बनेगा तो वो सूद बैंक में छोड़ने के बजाय निकाले, क्योंकि अगर वो बैंक में छोड़ेगा तो बैंक उस सूद से मज़ीद सूद कमाता है। तो वो सूद निकाले और तौबा इस्तिग़फ़ार भी करे और सवाब की नीयत के बग़ैर कहीं सदका कर दे, ज़कात के मुस्तहिक़ीन को दे दे। वो समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह, लेकिन सवाब की नीयत ना रखे, क्योंकि अल्लाह हराम माल से सदका कबूल नहीं करते। बल्कि उलमा कहते हैं इसमें सवाब की नीयत की तो कुफ्र का ख़तरा है कि अल्लाह को गज़ब दिला रहे हैं आप कि एक हराम चीज़ से आप अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जान छुड़ाने के लिए किसी भी गरीब को सवाब की नीयत के बग़ैर सदका कर दें। और मसाजिद के वॉशरूम वगैरह में भी उलमा कहते हैं इस्तेमाल हो सकता है। बैतुलखला में कोई भंगी जो है वो यानी कोई वो खुल, जैसे बेचारे कुछ भंगी वगैरह बैठे होते हैं ना जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, तो वो उसकी रिपेयरिंग के लिए यानी ऐसे खैर के कामों में मस्जिद में ना इस्तेमाल किया जाए। मस्जिद मुक़दस जगह है, उसमें अल्लाह पाकीज़ा माल मांगते हैं, तो ऐसे लेटरिन वेटरिन में इस तरह की जगहों में भी इस्तेमाल करने की गुंजाइश है।